बिसमिल्लमी आपकी ज़िंदगी के 25 मसाइल हल हो जाएंगे वालैहि वसल्लम की इन बातों पर अमल करें एक बद्दू रसूल अलैहि वालैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर हुआ उस वक्त वहाँ हज़रत ख़ालद इबन वलीद रज़ील तहु भी मौजूद थे उन्होंने यह हदीसी मुबारक तहरीर करके अपने पास रख ली कन्सलम्बाल में यह हदीस मुबारक इस तरह से दर्ज है उस बदू ने अर्ज़ किया अर्ज किया या रसोल्ला वसलम मैं अमीर व गनी बनना चाहता हूँ फरमाया कनात अख्तियार करो अमीर हो जाओगे अर्ज किया मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ फरमाया करो आलिम बन जाओगे अर्ज किया मैं इज़्ज़तदार बनना चाहता हूँ फरमाया मखलूक के सामने हाथ फैलाना बंद कर दो बाइज़त हो जाओगे अर्ज की कि मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ फरमाया लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचाओ अर्ज किया मैं आदिल बनना चाहता हूँ फरमाया जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो अर्ज किया मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ फरमाया सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर तोल करो अर्ज किया मैं अल्लाह के दरबार में आला दर्जा चाहता हूँ फरमाया कसरत से ज़िक्र इलाही करो अर्ज किया मैं रिज की कुशादगी चाहता हूँ फरमाया हमेशा बावजू रहो अर्ज क्या दवाओं की कबूलियत चाहता हूँ फरमाया हराम ना खाओ अर्ज किया ईमान की तकमील चाहता हूँ फरमाया अपने अखलाक अच्छे कर लो अर्ज की के रोज़े की आमद में अल्लाह से गुनाहों से पाक होकर मिलना चाहता हूँ फरमाया जनाबत के बाद फ़ौर गुसल करो अर्ज किया गुनाहों में कमी चाहता हूँ फरमाया कसरत से इसगफफार करो अर्ज किया क्यामत के रोज़ नूर में उठना चाहता हूँ फरमाया जुल्म करना छोड़ दो अर्ज़ किया मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझ पर रहम करे फरमाया अल्लाह के बंदों पर रहम करो अर्ज़ किया मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी पर्दापोशी फरमाए फरमाया लोगों की परदापोशी करो अर्ज़ किया मैं रसवाई से बचना चाहता हूँ फरमाया जना से बचो अर्ज किया मैं चाहता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बन जाऊँ फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल का महबूब हो उसको अपना महबूब बना लो अर्ज किया मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताली का फरमाबरदार बन जाऊँ फरमाया फ़राइज का अहतमाम करो अर्ज किया मैं एहसान करने वाला बनना चाहता हूँ फरमाया अल्लाह की यूँ बंदगी करो जैसे तुम उसे या वो तुम्हें देख रहा हो अर्ज की के कौन सी चीज़ गुनाहों से माफ़ी दिलाएगी फरमाया आंसू आजजी और बीमारी अर्ज किया कौन सी चीज़ दोजफ़ की आग को ठंडा करेगी फरमाया दुनिया की मुसीबतों पर सब्र अर्जिया अल्लाह के गुस्से को क्या चीज़ ठंडा करेगी फरमाया चुपके चुपके सदका और सुला रहमी अर्ज़ किया सबसे बड़ी बुराई क्या है फरमाया बदहल्की और बुखल अर्ज किया सबसे बड़ी अच्छाई क्या है फरमाया अच्छे अखलाक और सब्र अर्ज किया मैं अल्लाह के गुस्से से बचना चाहता हूँ फरमाया लोगों पर गुस्सा करना छोड़ दो आइए हम इस हदीस मुबारक की रोशनी में अपना जायजा लें कि हम इस हदीस में मजकूर कितनी बातों पर अमल करते हैं और फर्द अपने आप को खुद ठीक कर ले तो माशरा ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएगा